खास करके पालीगंज की जो स्थिति है उसमें इस बार अपना बेटा को नेता बताएंगे। इस बार पालीगंज की जनता निर्दलीय को विधानसभा पहुंचाने का काम करेगा। मेरा स्वच्छ छवि होने के चलते इस बार जनता हमारे ऊपर मैंडेट दे रही है और हम आदरणीय जनता है, हमें आशीर्वाद देंगे और इस बार हमें विधानसभा पहुँचाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं रितेश कुमार शर्मा और हम इस वक्त खड़े हैं, सोरंगपुर गांव है, ये पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां पे उषा विद्यार्थी खड़ी है लोजपा से और जदयू से बच्चा यादव खड़े हैं और भाकपा माले से जो हैं संदीप सौरभ खड़े हैं। इस बीच जो है हम यहाँ घूम रहे हैं और जनता के बीच में जो है सरकार के खिलाफ जो है नाराज़गी साफ साफ जाहिर हो रही है और इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है। और यहाँ हमारे साथ अभी मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी हैं इंजीनियर राकेश रंजन, ये यहाँ से जो है पालीगंज से यहाँ दावा कर रहे हैं और जनता के बीच में क्षेत्रीय हैं, यहाँ के लोकल हैं और बताते हैं कि क्षेत्रीय जो होता है वो ज़्यादा विकास करता है जैसा कि जनता भी कहती है। तो सर, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग अभी कर रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको और कैसे जनता से मिलके क्या क्या आप बता रहे हैं, वादे कर रहे हैं? जनता इस बार पालीगंज की जनता खास करके, चूँकि यहाँ चुनाव से पूर्व जो लोगों की आशाएं थी, जो अपने जनप्रतिनिधि से आशाएं थी, जो पार्टी से आशाएं थी, वो सब कुछ उसके सब कुछ विपरीत हुआ है। उसी विपरीत विकास के अगेंस्ट में, विकास नहीं हुआ है या जो भी उल्टा पुल्टा हुआ है उसी की उपज है राकेश रंजन, कि जनता राकेश रंजन को इस लायक बना दिया है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी अपना नामांकन किए हैं, इतनी ताकत दे दी है कि तमाम जितनी पार्टियों की सारी व्यवस्थाएं धूमिल रह जाएगी और इस बार पालीगंज की जनता निर्दलीय को विधानसभा पहुँचाने का काम करेगा। सरकार के जितनी भी योजनाएं यहाँ दिखाई दे रहा है, नल जल योजना, घर में पानी ठीक से नहीं पहुंच रहा है, हम लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो विधायक होने के नाते आप वो सब फिर कैसे ठीक करवा दीजिएगा यहाँ पे? देखिए, जल नल योजना एक बहुत अति महत्वपूर्ण योजना था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे क्रियान्वयन में कमी हुई है, एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। अब देखिए, जल आया, जल के लिए पाइपलाइन बिछा, लेकिन गाँव में जो पहले से पूर्व से जो ढलाई रोड बना हुआ है उसको काट करके छोड़ दिया गया, तो कहने का अर्थ हुआ कि एक तो पहले से जो कुछ भी विकास था उस विकास में अवरोधक हुआ, बने हुए चीज़ को तोड़ा गया। दूसरा, पानी का जो समस्या है कि पानी का लाइन तो दे दिया गया लेकिन कहीं सप्लाई प्रॉपर वे से नहीं हो रहा है। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि किरानों उपरांत जो लोगों को लाभों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। मिला जुला करके कहने का स्थिति यही है कि पूरी व्यवस्था में कहीं ना कहीं से सरकार के देख रेख में चूक हुई है कि वो चीज़ें लोगों का लाभों तक वो चीज़ नहीं पहुँच पा रहा है। इस बार लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी ही आप होकर के विकास कर पाइएगा? जैसे क्या है सर कि ये निर्दलीय वर्ड जो है ना सर जी, ये लोगों में लगता है कि निर्दलीय है, निर्दल नहीं है जी, वो सबसे बड़ा बल वाला है। निर्दल कब चुनाव लड़ता है? जब उसको लगता है कि हमको दल का कोई सपोर्ट नहीं है। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि पार्टियों का सपोर्ट नहीं है, पार्टी मीन्स का जिसका कोई माई बाप नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि एनडीए पार्टी है, तो एनडीए पार्टी कहने के लिए ना सर तिरछाप, कमल छाप और लोजपा छाप जी, तो कोई अंदर से तो कोई समावेश है ही नहीं है, ऊपर से है कि गठबंधन है, अंदर है चला गठबंधन। तो कहने का अर्थ हुआ कि जनता को किसी न किसी तरह से भ्रमित किया जा रहा है। तो इस बार पूरे बिहार में हम आपको बता रहे हैं कि निर्दलीय की सबसे ज़्यादा जीत होगी, उसका मुख्य कारण होगा कि जितने भी गठबंधन वाले लोग हैं सब लोगों दिग्भ्रमित करने का काम किए, सब लोग कन्फ्यूज हैं, इसलिए इस बार सब लोग अपने निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में मत करेंगे और खास करके पालीगंज की जो स्थिति है उसमें इस बार अपना बेटा को नेता बताएंगे। बाकी जितने पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, सब कहीं ना कहीं चीज़ों में फंसे उलझे पड़े हुए हैं। मेरा स्वच्छ छवि होने के चलते इस बार जनता हमारे ऊपर मैंडेट दे रही है और हमको आशीर्वाद मिल रहा है। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूं कि इस बार विधानसभा जनता के, ये हमारे जो भावी जनता है, हमारे जो
परम आदरणीय जनता है, हमें आशीर्वाद देंगे और इस बार हमें विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी में बने रहने पे भी जो काम करने में बाधक बनने का काम करती है पार्टी, निर्दलीय रहेंगे तो ज़्यादा खुल के आप काम कर सकेंगे जनता के लिए। अच्छा सर, मान लिया हम पार्टी से होते हैं तो पीछे में टैग लग जाता लालू जी का, पीछे टैग लग जाता नीतीश जी का, पीछे टैग लग जाता सोमनाथ बनर्जी जी का। माने कहने का अर्थ हुआ कि किसी न किसी का टैग तो लग जाता। तो कल जो हमारी समस्याएं थी, जिन लोगों ने हमको यहाँ से जिता कर भेजा, तो उनकी बात को तो हमको काट पीट के ना विधानसभा में रखना पड़ता। क्योंकि होता क्या है कि जो पार्टी के लोग होते हैं अपनी बातों को बिना दल से राय लिए हुए अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, उनकी स्वतंत्रता नहीं होती है। लेकिन निर्दलीय में वो पावर है, चूंकि वो किसी दल से नहीं होता, उसका दल होता है तमाम जनता, उस विधानसभा की जनता, उनकी बात करता है और उनसे पूछ करके उनसे सलाह लेकर के उनकी बातों को रखता है और उनके पक्ष में जो होगा वही काम करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।